सुनिए तो आप, मुझे बोलने नहीं देंगे आप? मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधिरंजन सिंह, बैग जाओ भाई, बैग जाओ। माने सर प्लीज, हाँ सभापति महोदय, माने प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी, आई थिंक वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी problem because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry, because you were in a hurry, you are the cart is before the horse. Your home minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend who is a member of parliament of Lok Sabha, Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and the former chief minister Mehbooba, both where we don't know where they are. First of all, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. माननीय सदस्य, आप मेंबर जजमेंट, माननीय सदस्य आप विराजे, माननीय सदस्य आप विराजे, जब माननीय सदस्य प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो, जब माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको नो आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पर इश्यू उठा, डिबेट शुरू हो चुकी। नो प्लीज प्लीज, अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे, प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उस समय बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना, आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय, प्लीज बैठ जाइए। आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पर, आप भी बोल लेना, जिस भी माननीय सदस्य को बोलना है डिबेट पर बोलना, अपने अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज, आपको डिबेट पर चांस दूंगा, डिबेट पर चांस दूंगा आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए
कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन, ये महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा, काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। सभापति माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय ने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 साइन किया है, इसके तहत 370(1)(d) अनुच्छेद 370 के 1(d) का उपयोग करते हुए ये एक संवैधानिक ऑर्डर उन्होंने पास की है जिसमें भारत के संविधान के सारे अनुबंध जम्मू और कश्मीर के संविधान को लागू होंगे और इसका मतलब है कि 35A चली गई और 367 और 370(1)(d) को एक साथ में पढ़ते हुए जो अधिकार प्राप्त होता है वो अधिकार के तहत राष्ट्रपति महोदय ने एक जहां जहां भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू और कश्मीर लिखा गया है वहां पर इसको जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए, इस प्रकार का भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के अंदर उल्लेख किया है। और एक रेजोल्यूशन है जो मैंने अभी पढ़ा जिसके तहत धारा 370(3) का उपयोग करते हुए कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में जो 370 का उपयोग हो रहा है इसको सीज करने का एक प्रस्ताव अगर सदन इसको अनुमति देता है तो राष्ट्रपति महोदय कल या परसों उनकी अनुकूलता से इसको साइन करके गैजेट में प्रसिद्ध करेंगे। और तीसरा बाइफर्केशन एक्ट लेकर मैं आया हूं, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। सभापति महोदय, एक सवाल कल भी अपर हाउस में उठा था, आज भी काफी सारे सदस्यों के मन में ये बात है कि भाई ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है। मैं सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है आर्टिकल 370 की धारा 3 को पढ़ना चाहता हूं और सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notification, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exception and modification and from such date as he may specify. राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है एक नोटिफिकेशन निकालकर धारा 300 पढ़ता हूं पर बैठ, अरे बैठो लो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए, आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा। बालू साहब, मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए सभापति महोदय, इसका मतलब ये होता है कि धारा 370(3) का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं, ये इनका अधिकार है। मगर उसमें राइडर डाला हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रिफर टू इन क्लोज टू शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यूज सच ए नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति महोदय तब ही ये नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं जब जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अनुशंसा हो। तो राष्ट्रपति महोदय के जो अधिकार है उस पर जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुशंसा को
बात ही करने का एक राइडर संविधान ने लगाया है। अब मैं आता हूं माननीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। मैंने जो पहले उल्लेख किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 निकाला है, इसमें राष्ट्रपति महोदय ने 367 रेड विट 371D इसका अधिकार का उपयोग कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू और कश्मीर ये शब्द प्रयोग किया है। तो अब ये अधिकार आता है जम्मू और कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कि वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करे कि आप ये अधिकार का उपयोग कर सकते हो। अब काफी सारे सभासद होंगे ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं इतिहास उनको बताना चाहता हूं। इस प्रोविजन का उपयोग कांग्रेस ने इसी रास्ते से दो बार किया है, पहली बार 1952 में, दूसरी बार 1965 में। 1952 में 371D का उपयोग करते हुए उन्होंने महाराजा की जगह सदरे रियासत किया, महाराजा का नाम निकालकर सदरे रियासत किया, और 1965 में सदरे रियासत की जगह गवर्नर किया। मेरा इतना ही कहना है कि जब कांग्रेस पार्टी इतना जो हो हल्ला कर रही है, उनके शासन में दो बार राष्ट्रपति महोदय, भाई अब आप महोदय ये ठीक नहीं है, महोदय ठीक नहीं है, इतना जो हो हल्ला कर रहे हो इसका दो बार उपयोग राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का उपयोग कांग्रेस के शासन में कैबिनेट की अनुशंसा से ही किया है, कैबिनेट मतलब सरकार। और अब आया असेंबली। अभी महोदय आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। राष्ट्रपति शासन धारा 356 के अंतर्गत लगता है, धारा 356(1)(b) इसके हिसाब से असेंबली की पूरी सत्ताएं ये दोनों सदनों में निहित है, ये दोनों सदनों का जो भी अभिप्राय है वो ही असेंबली का अभिप्राय होता है। तो कल माननीयवर मैं राज्यसभा से अनुमति लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि ये सदन धारा 370 हटाने के लिए अनुमोदन मुझे देगा। ये दोनों चीजें जो मैंने रखी है ये संविधान का किस अधिकार के तहत राष्ट्रपति जी ने और भारत सरकार ने ये संकल्प और ये बिल मैं लेकर आया हूं, इसको समझाने के लिए मैंने सदन के सामने रखा है। इस पर जो भी विवाद हो सकता है, जो भी आपकी तकलीफ हो सकती है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तसल्ली से दूंगा, मगर हम वाद विवाद करें, विटंडा वाद ना करें। वाद विवाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं एक बात कहता हूं उसके सामने आप दो चीज खड़ी कर सकते हो। मेरा दायित्व तो है, संवैधानिक दायित्व तो है कि मैं इसका जवाब दूं सदन को, परंतु हो हल्ला करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं पड़ेगी। अब जहां तक बाइफर्केशन का सवाल है माननीयवर, बहुत समय से लद्दाख क्षेत्र की मांग थी कि वहां पर एक यूटी बनाया जाए, इसलिए ये मांग के तहत हम जम्मू कश्मीर में दो यूटी लेकर आ रहे हैं। एक यूटी लद्दाख क्षेत्र की होगी जिसमें एक्साइज चीन भी समाहित होगा और वहां दोनों हिल काउंसिल जो बनी है वो चालू रहेगी और हिल काउंसिल के अध्यक्ष को मिनिस्टर का दर्जे के साथ वो अपना कार्यभार अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते रहेंगे, जिससे स्थानीय नुमाइंदों की पूरी आवाज हिल काउंसिल के अंदर सुनाई देगी। तो किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने का सवाल ही नहीं। और जम्मू कश्मीर यूटी बनेगी वो बीथ असेंबली बनेगी, वहां MLA भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री भी होंगे, वहां मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा चुने हुए ही होंगे और वो जम्मू कश्मीर के प्रशासन का डे टू डे काम करेंगे। तो एक दूसरा बिल मैं लेकर आया हूं कि दो यूटी बनाए जाए और इसका भी मैंने जैसे पहले आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, Article 1 और जम्मू कश्मीर के Article 3 दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो इसका भी पूर्ण अधिकार इस संसद को है। तो ये दोनों बिल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब सारे लोगों को अपने अपने विचार रखने का अधिकार है, जो पार्टियों ने लिस्ट दिए उसके हिसाब से रखे। मैं तसल्ली से एक एक सेकंड यहां बैठने वाला हूं, पूरा नोट करूंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने की मेरी तैयारी भी है, परंतु शांत वातावरण में चर्चा हो तो घाटी भी हमें देख रही है, देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। तो श्री मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय,
आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सदन में एकत्रित हुए हैं। ये जो